जी दोस्तों सलामत नमस्कार। देखिए 15 फरवरी को दुबई की नंबर वन कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू है। इसमें मैं आदमी लेके जा भी चुका हूं और बहुत ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं। ये आप ट्रेड देख रहे हैं, सटरी कार्पोरेट सैलरी भी जबरदस्त देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है सलामत आप कबूल करिए, अगर आपको कोई काम नहीं मालूम है तो हमारा ऑफिस आपको काम सिखा रहा है, वो भी फ्री में। तो जो भी साथी इस कंपनी में जाना चाहते हैं स्टील फिक्सर का काम सीख के जा सकते हैं, टेस्ट मार सकते हैं। बाहर लोग काम भी सीख रहे हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। आप आगे वीडियो देखते रहिए। ये देखिए 15 तारीख को क्लाइंट इंटरव्यू है, ट्रेड आप देख रहे हैं। और 15 के बाद जो है या 12 फरवरी को जो है ओमान की सबसे बेहतरीन अल रफा ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का क्लाइंट इंटरव्यू है। और इसके बाद जो है 13 फरवरी को जो है बहरीन के लिए, जिसमें सारे ऑपरेटर चाहिए, देखिए सारे ऑपरेटर लिखे हैं, जिसमें 25 से 45 साल एज और विदेश का कहीं भी वैलिड लाइसेंस चाहिए, जीसीसी का कहीं भी होना चाहिए, इंडिया का लाइसेंस नहीं चलेगा, ये भी है और ये भी है। और तीसरा इंटरव्यू देखिए जो है खराफी स्टील के लिए है, जो कि 14 फरवरी के लिए स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर स्ट्रक्चर फिटर है, खाना फ्री देती है, सैलरी भी जबरदस्त है। और ये 9 फरवरी को यानी कल जो है क्लाइंट इंटरव्यू है। और ये भाई साहब मेरे ऑफिस के लिए स्टाफ की जरूरत है, दुबई कंपनी के लिए भी और इंडिया के लिए कंपनी के लिए। दुबई में सेलेक्ट होते दोगुना हो जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा आइए। सलाम आदाब नमस्कार मेरा कबूल करिए। और दोस्त अगर आप जो है देखना बात करना चाहते हैं या कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं तो आप कैसे बात कर सकते हैं मैं बता देता हूं आपको। या आपको सीधा सीधा यहां पे जो है देखिए ये शेयर बटन इस तरह से आपको आ रहा होगा, इस तरह से तीर आ रहा होगा, यहां पे एक तीर शेयर बटन दबाना है आपको। यहां एक बार दबा देंगे शेयर, दूसरी बार दबा के और यहां पे जो है ग्रुप वाला ऑप्शन, देखिए ग्रुप लिखा है नीचे, ग्रुप जाके जितने भी ग्रुप में आप ज्वाइन है सारे ग्रुपों में आप मेरे भाई आप इस तरह से शेयर कर दीजिए। जितने हैं सारे शेयर करने के बाद एक भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए बगल में दो आदमी का फोटो आ रहा होगा, उस पर डाल के रिक्वेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ कमेंट में आपको लिखना है अपना नाम या जो भी सवाल पूछना चाहते हैं आपको कमेंट में ऐसे अपना नाम लिखना है या जो भी है बात करना चाहते हैं ऐसे लिखना है और यहाँ पे सीधा सीधा सेंड कर देना है। देखिए अब देखिए जिसान आलम भाई ने किया है तो ये शेयर का बटन भी आ गया वन और कॉल या जो भी मैसेज करेंगे आ जाएगा। तब तक आप यह काम करिए, मैं आपको रिक्वायरमेंट पूरा समझाता हूं और आपसे भाई साहब खास करके मैं बात करना चाहता हूं। बस एक बार वीडियो शेयर करके देखिए ताकि जो है जानकारी और लोगों तक जाए, मैं आपसे बात कर सकूं, ठीक है। तो आप वीडियो को तब तक शेयर कर रहे हैं तब तक पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट मैं विस्तार से बता रहा हूं। तो देख लीजिए यह जो है 15 फरवरी को क्लाइंट इंटरव्यू है और यह मैं रियली बता दूं जो साथी घर बैठे लाखों रुपए कमाना चाहते हैं इस इंटरव्यू में मैं मौका दे रहा हूं आपको जो है परफेक्ट ग्रुप्स के साथ जुड़ के काम करने के लिए। आपको करना क्या होगा, आपके लिए 16 तारीख को मैंने इंटरव्यू रखा है दोपहर 1 बजे तक, सुबह 7 बजे से शुरू होगा। जो भी हमारे साथ जुड़ के काम करना चाहता है इस इंटरव्यू में 16 तारीख को अपना आदमी लेके आए। और सबसे बड़ी बात है भैया, इस बात को नोट करिएगा कि अगर आपका आदमी पास होता है तो मैं 5,000 रुपया हर एक आदमी पीछे आपको मैं इनाम दूंगा। और आगे बहुत बेहतर करते हैं तो आपको ऑफिस की जरूरत है जो भी है मैं पूरा का पूरा फुलफिल करूंगा। अगर ये वीडियो आप विदेश से देख रहे हैं तो बिना टेंशन किसी को भी भेज दीजिए हमारे ऑफिस में, बस हमारे ऑफिस से फोन करके बता दीजिएगा कि हमारे आदमी जा रहे हैं, फला फला नाम है, डिटेल बता दीजिएगा और आपका जो है इनाम हमारे तरफ से रखा है। और आगे अगर बेहतर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे टोटल दरवाजे खड़े हैं, लेकिन आपको 16 तारीख को सुबह सुबह भेजना होगा। तो ये देखिए सटरिंग कारपेंटर स्टील फिटर सैलरी जो है इंडिया की 26,672 है, 1219 धर्म है, ब्लॉक मेसन, प्लास्टर मेसन, टाइल्स मेसन और बिल्डिंग मेसन का 1282 धर्म सैलरी है, 20 से 45-46 तक ये चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 20 दिन के अंदर फ्लाइट है, अगर मेरे भाई इंटरव्यू पास किए वीजा नहीं आता है तो मैं आने जाने का खर्चा हर एक चीज दूंगा। इस वीडियो को आप सेव करके रखिएगा। और दूसरा रिक्वायरमेंट देखिए 12 फरवरी को है, यह अल रफा ट्रेडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है। इसमें जो है खासियत क्या है कि यह कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 5 दिन काम करवाती है, 2 दिन छुट्टी रहता है, 2 दिन काम करेंगे तो आपको जो है ओवर टाइम उसका मिलेगा, पर डे 2 घंटा फिक्स जो है कंपनी। इसमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, एसी टेक्नीशियन चाहिए, केबल ज्वाइंटर चाहिए, स्ट्रक्चर वेल्डर का क्या है जो गेट ग्रिल में वेल्डिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा गेट ग्रिल में जो वेल्डिंग करते हैं स्ट्रक्चर वेल्डर में चल जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आइएगा। आर्क वेल्डर 6G है, मेसन सेटिंग स्टील है जाती है। और ये तीसरा इंटरव्यू जो है देखिए 13 फरवरी को है, जो कि बहरीन की जानी मानी कमेबी जो है बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, हाजी अली करके उसकी का कंपनी है, उसमें आदमी हमारे गए हैं हाजी हसन में। इसमें देखिए जेसीबी बैकहो ऑपरेटर, रोलर ऑपरेटर, बाबकेट ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, सावेल ऑपरेटर, हियाब ऑपरेटर, सैलरी साफ लिखा है 150, 8 घंटे का प्लस ओवर टाइम, समझ रहे हैं। गर्ल्स का वैलिड लाइसेंस चाहिए, इंडियन लाइसेंस वाले कोई साथी फोन नहीं करेगा। और तीसरा आ जाइए
उसी कंपनी में जो है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, हियाब ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, सीयर लाइन ऑपरेटर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन चाहिए जो गाड़ियों को बनाते हैं, मिक्सर ड्राइवर चाहिए जो मिक्सर गाड़ी नहीं चलाते हैं, वैलिड लाइसेंस चाहिए और प्लांट मैकेनिक चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा। और ये तीसरा इंटरव्यू मेरे भाई 14 फरवरी को कुवैत की जबरदस्त कंपनी है खराफ स्टील, जिसके लिए स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर और स्ट्रक्चर फिटर चाहिए। ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर और स्ट्रक्चर फिटर, सैलरी इंडिया का 35,000 है और फिटर का जो है 27,000 है। खाना फ्री है 15 KD, इसके बाद जबरदस्त है। आप आइए और अपना काम इसमें जरूर से जरूर करवाइए। और यह 9 फरवरी का कल इंटरव्यू है, फर्नीचर कारपेंटर, फर्नीचर पॉलिशर, ठीक है। तो आप जरूर से जरूर आइए। और यह देखिए मेरे ऑफिस के लिए रिक्वायरमेंट है दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा मेहनत करिए। बाकी हम बाहर आपको दिखा रहे हैं, जो साथी अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहता है वो देखिए कितना मेहनत कर रहा है। आप अपने घर में रजाई बैठे हुए हैं और जो साथी हमारे कुछ करना चाहते हैं देखिए इस तरह से काम सीख रहे हैं। देखिए आप लोग वीडियो देख के आए थे, कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कुछ सीखे कि नहीं आप लोग? आप लोग श्योर है इंटरव्यू में पास हो जाए? क्यों? क्योंकि आप लोग खुद चाहते हैं परिवार के लिए हम कुछ करें। बहुत से साथी हैं वीडियो देख के घर पे पटाए हैं, सोच रहे जाएंगे पास होंगे ठीक है, फेल हो जाएंगे घर आ जाएंगे, पापा हैं कमा ही रहे हैं, बड़े भाई कमा ही रहे हैं, हमारा काम चलता रहेगा। तो जो भी साथी देखिए काम सीखना चाहता है, स्टील फिक्सर का देखिए पूरा ट्रेनिंग होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा मांग रहा है सिखाने का? आज सोने के लिए देखिए रजाई गद्दा सब आ गया, टेंट से आया कि नहीं आया? तो यह है। अब बाकी जो है यह काम सीखना चाहते हैं फ्रेम सिखाया जा रहा है, आपका शटरिंग का काम सीखना चाहते हैं फ्रेम सिखाया जा रहा है, मेसन का काम सीखना चाहते हैं वो भी सिखाया जा रहा है। तो जिसमें आपका हुनर है शटरिंग स्टील और मेसन में, आप आइए और सीखिए। 15 तारीख को क्लाइंट इंटरव्यू है और अपना इंटरव्यू पास करिए और जो साथी पास होंगे तुरंत का तुरंत वीजा मिलेगा। वीजा नहीं मिलता है तो किराया भाड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको रिटर्न दूंगा मेरे भाई, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब जो है बात करने का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कौन कौन से साथी शेयर किए हैं और कौन कौन से साथी हमारे बात करना चाहते हैं। पूरा फुर्सत में हूं मैं। और जो है नाइस भैया काल में ज्वाइन कर, फुरकान अहमद साहब मैं आपको जोड़ रहा हूं, और देखते हैं कौन कौन से शेयर हमारे शेयर किए हैं। और फुरकान अहमद साहब मैंने आपको कॉल कर दिया, और विशाल कुमार भाई आपको भी मैंने कॉल किया है, शमशाद अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम मेरा कबूल करिए, आपने हर एक वीडियो करते हैं। सतीश भाई आपको भी मैंने किया है। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं तो मैं एकदम बैठा हूँ। नमस्कार, हेलो हेलो, विशाल भाई नमस्कार, सतीश भैया आपको भी नमस्कार, कहाँ से देख रहे हैं? हम अभी देवरिया से देख रहे हैं। क्या काम करते हैं? बिल्डिंग का। मैं रसिया तो था, कौन से बिल्डर है आप? आर्गन। अच्छा आर्गन का तो नहीं, अभी आर्गन का आता है तो आइए। आप भैया क्या काम करते हैं? सतीश भाई नमस्कार। नमस्कार भैया, आपको मैं देख रहा हूँ, क्या काम करते हैं सतीश भाई? सर इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं। इलेक्ट्रीशियन का तो है, 12 तारीख को आइए उमान में, पहले ट्राई करिए फिर 15 को भी आइए, दोनों दिन इंटरव्यू इलेक्ट्रीशियन के। 12 तारीख 12 में आइए। जी 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 जी। और जो है देखते हैं कौन साथी हमारे बात करना चाहते हैं। मनीष भैया एक वीडियो को शेयर तो किए हैं, उससे रिक्वेस्ट हुआ दबाइए। फुरकान अहमद साहब मैं आपको भी लगा रहा हूँ, फुरकान भाई। और राज शंभू साहब है, आपको भी मैंने लगाया है राज भाई जी। फुरकान साहब सलाम वालेकुम। हेलो सलाम वालेकुम फुरकान साहब, कहाँ से काम कर रहे हैं? दिल्ली से। अच्छा क्या काम करते हैं? एसी का सिंगल फेज। एसी का तो आइए, सिंगल फेज का है, आके 12 तारीख को इंटरव्यू दीजिए, ठीक है? 12 तारीख को आइए, अच्छी कंपनी है। और राज भैया नमस्कार, शंभू भैया नमस्कार। नमस्कार भैया नमस्कार, और बताइए बढ़िया है, कहाँ बात कर रहे हैं आप? अरे हम हैं सऊदी अरब में अभी। अच्छा कौन से कंपनी में है? अनाबीब में है। अच्छा जाओ, और सऊदी का कैसा मौसम है भैया? सऊदी में कौन से जगह रहते हैं? दमाम में, यहाँ जुबेल में अभी हैं, जुबेल 2 में। अच्छा सऊदी का अभी रूल इतना बदल गया, अभी मालूम है रूल क्या बदला है? क्लाइंट इंटरव्यू में अगर कोई आदमी पास भी होता है तो गवर्नमेंट ने एक बनाया, वहाँ जाकर टेस्ट दीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, तो जाके जो है वीजा स्टैंपिंग हो रहा है, इसलिए एक मिनट सुनिए सर जी, 12 तारीख को इधर से हम वापस आ रहे हैं।
मैं भी गोरखपुर से ही हूँ, मैं आपके ऑफिस पे एक दो बार गया भी हूँ, आपसे मुलाकात नहीं हुई है। मैं पाइप फैब्रिकेटर हूँ। तो पाइप फैब्रिकेटर तो आज ही रसिया का चल रहा था, आज ही के अंदर लड़के पाइप फिटर फैब्रिकेटर स्ट्रक्चर फिटर फैब्रिकेटर में पास हुए। 12 तारीख को ऑलरेडी यहाँ से डॉलर से टिकट है। आइए आइए फिर रसिया, आप जाइए, अब गल छोड़िए, आप डायरेक्ट रसिया जाइए आप। ठीक है ठीक है आइए, सब भैया आपका इंतजार रहेगा। थोड़ा व्यस्तता रहता है मेरे भाई, माफी चाहते हैं, इतना काम मेरे ऊपर रहता है, मैं पहले से ही माफी मांग लेता हूँ। इंटरव्यू के दिन तो एक सेकंड का फुर्सत नहीं रहता है, ये क्लाइंट के पास बैठ के आदमियों के पास कराना रहता है, समझ रहे हैं। तो बहुत से साथी आते हैं गुस्सा के मेरे ऊपर चले जाते हैं, यार वीडियो में इतनी अच्छी अच्छी बात करते हैं, यहाँ हम बुला रहे हैं भैया, सुनते सुनते नहीं बात। तो देखिए इतना काम रहता है, इतना काम रहता है, माने मानेंगे नहीं, पेशाब भी लगा तो बर्दाश्त करके बैठना पड़ता है। हाँ सर बोलिए ना। हाँ सर, अच्छा नहीं ये नहीं है, ये आदमी भेजिए, ऐसा करिए वैसा करिए, नहीं सतम भाई इन्होंने गलत किया है, तो उसको समझाना पड़ता है, सर थोड़ा सा 19-20 है देख लीजिए, अगला अच्छा काम करेगा। तो इंटरव्यू के दिन या थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल होता है, तो मिलने की ये कुछ कोशिश ना किया करिए, नहीं तो आप ही का काम खराब हो जाएगा। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं, डायल में आलम भाई आवन है, शेष भैया आइए, रघु कुमार भाई आपको भी मैंने कॉल लगा दिया है, एमडी वाजिद मलिक साहब आपको भी मैंने कॉल लगा दिया है, और कौन कौन से साथी हैं, सारे लोगों से बात करूंगा। रघु भैया नमस्कार, रघु भैया नमस्कार भाई, सलाम अलैकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो रघु भैया बोलिए। अरे बोलिए, नमस्कार, कहाँ से दिखा आपसे बात कर रहे हैं भैया? यूरोप से बात कर रहे हैं? बाप बाप, अमेरिका से बात कर रहे हैं क्या? न्यूयॉर्क से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? हम क्रोशिया से, यूरोप से। यूरोप से बात कर रहे हैं, बाप रे बाप, क्या काम करते हैं यूरोप में भैया? देखिए एयरलाइन बैठा रहे हैं ट्रंप का। अरे बात दिखावा ही महाराज, यूरोप हम लोग दिखा, यूरोप हम लोग को भी दिखाइए, हम लोग तो गलथम परेशान है, सऊदी दुबई कुवैत और ज्यादा ज्यादा रसिया दिख रहा है ना। फोटो आपका, हमारा वीडियो नहीं आ रहा है, आपका चेहरा दिख रहा है, मोइलो उल्टा करके तब ना दिखाएगा, उल्टा करके महाराज दिखाइए मोबाइल। हाँ अब दिखा, देखिए फिर अपना चेहरा दिखाने लगे। अरे ये क्या, देखिए ये ट्रंप बन रहा है, 10 किलोमीटर लंबा, इसमें ट्रंप चलेगा। मैं समझ गया, जैसे कलकत्ता में चलता है, दुबई में चलता है, उधर जो मेरा दिल के तरफ। हाँ हाँ, क्या काम करते हैं भैया वहाँ पे आप? अभी इधर सब काम करना, यूरोप में टाइलैंड बनना चाहिए, टाइलैंड जिसके पास टाइलैंड होगा वही सब सब काम करना पड़ता है यहाँ पर। कितना स्टील फिटर का काउंटर सामान ले ये 1000-1200 आ जाता है। आप 1500 का मतलब तो बहुत ज्यादा हो गया हो। हाँ, 1.5 लाख रुपया हो गया। हाँ, कितना भर के गए थे? हम तो फ्री में आए थे। पता है कि किस्मत बहुत तेज है, इसका मतलब आपका? नहीं नहीं महाराज, हम आए थे कितना तेज है। हाँ हाँ, किस्मत तेज है हमारा, किस्मत तेज है। देखिए दोस्तों, मैं भी चाहता हूँ आप ज्यादा ज्यादा सैलरी काम करिए, लेकिन जानते हैं यूरोप में इधर जाइए 30% चांस होता है काम करने का, 30%। मतलब अगर आप 100 जगह इंटरव्यू दिए तो 30% चांस बा कहीं ना कहीं हुई। और दूसरा, इतना ज्यादा कोशिश पड़ता है, इतना ज्यादा पैसा पड़ता है कि उतना पैसा आदमी के पास रहे तो विदेश जेबे न करे, तो हम ध्यान नहीं देते हैं। अच्छे अच्छे साल सर भर लग जाता है वीजा में। तो मैं तो यही कहता हूँ यूपी बिहार के लिए नहीं है, जिसका बहुत किस्मत, भाई का किस्मत तेज है मुझे ऊपर तक होगा। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? एकदम क्लियर बैठे हैं 557 भाई देख रहे हैं, एक बार शेयर करिए और कम से कम अपना नाम बताइए ताकि मैं नाम आपका जान सकूं। एक बार शेयर करिए ताकि मैं आपका जो है नाम जान सकूं। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? वाजिद भाई आपको भी मैंने ज्वाइन कर लिया। हेलो हेलो, हाँ भैया नमस्कार भैया, वालेकुम सलाम वाजिद भाई,
चाल चाल है बारी भाई, सबसे बात कर रहे हैं? सब बढ़िया, अपना बताइए। आप अपना भी ठीक ही है भैया। हेलो, बोल रहा है गल्फ के लिए कोई काम करा देते ड्राइवरी के लिए। लाइसेंस इंडिया को ही कहो, इंडिया का है ना? हाँ, ये तो दिक्कत है। अब इंडिया का लाइसेंस का मार्केट में काम ही नहीं है, समझ लीजिए। ठीक है, कुवैत का मैं बात कर रहा हूँ, देखिए इंशाल्लाह फाइनल होता है तो बहुत अच्छी बात है। कुवैत में जाने वाला भी हूँ, तो जैसे ही फाइनल होगा मैं जरूर लाइव वीडियो देखते रहिए, मैं जरूर से जरूर डालूंगा। कॉल कर रहा हूँ मैं संतोषपुरी साहब, आपको भी मैं कॉल कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है वीडियो को शेयर किया है। और अनु सिंह मैं कॉल कर रहा हूँ आपका, जो भी हेल्प हो पाएगा कर पाऊंगा। गासुद्दीन भाई शेयर करिए आप। जी अनु भैया नमस्कार। हेलो हेलो, आवाज मेरी आ रही है अनु भाई? हेलो, और कोई साथी जो बात करना चाहते हैं? राजा खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ऊपर वाला आपको एकदम सदा खुशहाल रहे। गासुद्दीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल भाई आपसे मैं कॉल कर रहा हूँ। अर्जुन कुमार भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। अर्जुन भाई ये देखिए आपको भी मैंने ऐड कर लिया। हेलो राहुल भैया नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? सऊदी से बात कर रहे हैं अभी। अच्छा, क्या काम करते हैं राहुल भैया आप? पेंटिंग का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, कौन से कंपनी में? कितना दिन हो गया सऊदी में काम करते करते? 10 साल हो गया, अलसाद कंपनी है। 10 साल बिता दिए। तो वही मैं समझ पूछ, कहीं अगर रक्षा का जगह मिले तो मिल जाएगा। कितना सैलरी उठा पाते हैं भैया, सही से बताइएगा। ओवर टाइम सब ले, मतलब घर कितना बेच लेते हैं राम भैया? वो ही घर 20-25 हजार महीने का। 30 नहीं चला जाता, 25 जाता है तो ठीक है, जान लीजिए, समझ रहे हैं। कौन से वॉल पेंटर है कि जिप्सन है, क्या बोलते हैं? वॉल पेंटर। तो थोड़ा पॉलिश वगैरह काम सीखिए। तो यहाँ पे पॉलिश वगैरह का पॉलिश थोड़ा सा काम देखिए, हम जो है हमारी सैलरी या जो भी चीजें कब बढ़ सकती है, जब हमारे अंदर क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ जाए। तो सबसे पहले मैं सालों के लिए बोल रहा हूं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। जब काम आपको बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए हम भैया से वॉल पेंटिंग का काम करते हैं, अगर थोड़ा सा पॉलिशिंग का भी काम सीख लेंगे तो उनके पास प्लस पॉइंट हो जाएगा, समझ रहे हैं आप मेरे कहने का क्या मतलब? एक लेबर है हमारे गांव के, हरे गांव के उजाला, एक लेबर होकर दिहाड़ी चलता है 400 रुपया रोज की। अब वो खोजे वो आदमी ढूंढे कि नहीं 800 रुपये की उदी तब भी हम काम करेंगे, तो लेबर का कोई देगा? कोई नहीं देगा। अब वही लेबर मेहनत कर करके राजमिस्त्री बन जाता है तो 800 रुपया सब उसको देने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, हर एक आदमी तैयार हो जाएगा। तो आपको अपने अंदर हुनर लाना है, पैसा तो अपने आप आएगा यार, समझ रहे कि नहीं? बहुत से आदमी है वो यह सोच के जो है कंपनी में कैंसिल मार देते हैं, भाई आप दूसरे कंपनी में आएंगे तो वहां ज्यादा सैलरी मिलेगा, और आके यहाँ घरे बैठ जाते हैं, पता चला इंटरव्यू में जा रहे हैं फेल हो जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, और कहीं हो भी गया तो उससे भी बेकार कंपनी मिली। तो अगर आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, बराबर चाहते हैं कि सारी चीजें बेहतर हो जाए, तो आप अपने आप को आगे बढ़ाइए। आप ही हैं जो आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने पूरे परिवार को आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, कोई गलती नहीं है कि मीडियम फैमिली में, गरीब फैमिली में पैदा हुए हैं, तो बस हम इतना मेहनत करेंगे कि आने वाली नस्लें हमारी ये ना कहे कि यार गरीब घर में पैदा हुए, निकाह समूह बरन घर में पैदा हुए, समझ रहे हैं? तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, इस चीज को जो है ध्यान दीजिएगा। और कोई साथी जो बात करना चाहते हैं? अवधेश भैया उधार फोटो आ रहा होगा, उसको भी क्लिक करिए, एक बार क्लिक करिए ताकि और लोग जुड़े। प्लम्बर असिस्टेंट, वाह भाई वाह, ये महाराज कुछ टाइम लेकर प्लम्बर के काम सीख लेते तो बढ़िया रहा ना, समझ रहे हैं? कुछ काम सीख लीजिए। अर्जुन कुमार शर्मा साहब ज्वाइन तो आपको किए थे अर्जुन भाई, दोबारा मैं करता हूँ आपको। और कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं?
नमस्कार भैया। हेलो नमस्कार अर्जुन भैया, कैसे हैं? ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी गोपालगंज जिला फुलवरिया थाना। क्या क्या काम करते हैं? हम एल्युमिनियम का भी काम करते हैं, स्टील रेलिंग वाला भी काम करते हैं, वेल्डिंग का थ्री जी वेल्डिंग वाला भी मारते हैं। आइए वांट दे के आइए, वांट दे के आइए। और कैसे हैं क्या सुनील भाई? बात करना था, सुनिए ना सर। सर जी क्या कहते हैं, हम रशिया के लिए इंटरव्यू 2 मरतबा भेजा आदमी को सर, लेकिन नहीं हो पाया सर। आप इम्तियाज को आदमी देखिए, सुनिए रशिया का देखिए आदमी इंटरव्यू हुआ है, 20 आदमी सेलेक्ट हुए हैं। क्योंकि देखिए दूसरे तरीके से मैं बता दूं आपको ग्यासुद्दीन भाई, क्लाइंट आता है, देखिए मेरी बात ध्यान सुनिए, क्लाइंट आता है वो इंटरव्यू ले रहा है, सारे लोग का इंटरव्यू लेता है बंदा। आप एक बार कल्पना करिए कि आपकी कंपनी ने आपको इंटरव्यू लेने के लिए भेजा है और वो आदमी जिसको आप इंटरव्यू ले जाएंगे वो आपके अंडर काम करेगा, तो भाई सिंपल सी बात है बढ़िया आदमी ले जाएंगे। तो बहुत से साथी हमसे नाराज रहते हैं, मुझे मालूम है भाई, हम 4 बार गए मेरा काम में नहीं हुआ। काम कैसे होगा यार, तुम इंटरव्यू फेल कर जा रहे हो, तो इंटरव्यू पास करके दिखाइए तब ना माने हाँ काम नहीं हुआ। आए इंटरव्यू मारे तुरंत इधर से पासपोर्ट थमाया जा रहा है, भैया पासपोर्ट ले लीजिए आप फेल हो गए, अगली बार ट्राई करिएगा। आदमी जो है इतना बेवकूफ किस्म का है, अगली बार भी आ रहा है कुछ सीख साख के नहीं है, जाके यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, 1.5 GB डाटा पर रोज होकर खत्म करेगा, 12 बजे फिर डाटा उड़ जाए तो उसको पूरा खत्म करना। इंटरव्यू में कहीं भी जाइए फेल होते हैं, अगर आप समझदार आदमी हैं तो सीख क्या है कि हम क्यों फेल हुआ और उस पर काम करिए, तब आप जाके आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरह एक जो है अभी एक क्लाइंट कैंडिडेट आए, बोले 4 बार आ चुके, आप हमसे थोड़ा गर्म आवाज में बात बताइए, आपका ऑफिस ऐसा हमें क्या हुआ? पिछली बार हम आए थे 30 तारीख में, इंटरव्यू था, हेल्पर का इंटरव्यू था, खाली हमसे पूछा क्या कहाँ कहाँ काम किए, हमने बोला दुबई, बोला ठीक है जाइए, कुछ पूछ भी नहीं किया, और बाद में पता चला कि भैया आप फेल हो गए ले जाइए, ऐसे थोड़ी ना होता है। तब जो है हम देखे ओ हो उस प्रोजेक्ट में अब क्लाइंट तो सही है अपने जगह, मैंने उसको बोला और अगला भी माना हाँ भैया गलती हमारी है। अब क्लाइंट अपने मेंटेनेंस प्रोजेक्ट के लिए जा रहा है जहां पे काम करना है हेल्पर लोगों को, ऐसे चमचमाती टाइल्स लगी हुई हैं, इस तरह से पूरा बकायदा रूम वूम सारा सजा हुआ है, हाँ यहाँ पे काम करना है, तो कभी भी क्लाइंट कोई गुटका इतना खा लिया हो दबे पूरा एकदम लाल पीला हो गया है, बोले बस दिखता है, दिखाने की देरी है, ऐसे आदमी कोई ले जाएगा? लर्न नहीं। तो क्लाइंट सुपर है, आप क्लाइंट का बाप बनने की कोशिश करेंगे, नहीं क्लाइंट हमारे नीचे है, हम जो है तो आप हम में रह जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं? तो जो आपको अपनी कमियों को ढूंढना है मेरे भाई, मेरे कहने का ये मतलब है, आज के लगभग लगभग 70% लोग क्यों बेरोजगार है, क्यों परेशान है, दूसरे पीछे पड़ रहे भाई की सरकार ठीक नहीं बा, बेकार बने कहा यही हो गए, फलानवा बेकार बा तो ढिकनवा बेकार बा, औरत का चुगलखोरी वाला काम कर रहे हैं। सक्सेस आपको होना है तो आप अपने आप को डेवलप करिए, भूल जाइए दुनिया क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, आप बस अपने करियर पे फोकस करिए। आप फोकस करने भी आदमी कंफ्यूज है, हमारे यहाँ आदमी आया इंटरव्यू मारने, हमसे पूछा था भैया कि मैं मारी इंटरव्यू किसमें चार हो, नहीं हम कंफ्यूज है भैया इलेक्ट्रीशियन में मारने की प्लम्बर के मारते हैं, बोले सुन के अरे तुरी के ऑफिस बॉय आई भैया हम ऑफिस बॉय मारते रहे, क्वालिटी उसके अंदर किसी का भी नहीं है, क्वालिटी किसी का भी नहीं है उसके अंदर, समझ रहे मेरी बात को, उसको खुद नहीं मालूम हमको कि हम क्या करें, कंफ्यूज। तो अगर आप लोग जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो एक काम चूज करिए और उस काम को इतना बेहतरीन करिए कि आपसे बेहतरीन कोई कर ही ना सके, देखिए ना पैसों का गंगा बहेगा आपके घर तक, समझ रहे, बहुत छोटी बात बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ में कमी क्या होती है मालूम है, आपको भी मालूम है, जब हैंड पाइप गाड़ा जाता है भैया 327 लोग देख रहे हैं, अगर वीडियो बोल रहा हूँ मैंने तो वही अमल किया, मैं ऐसा नहीं किसी किताब से पढ़ा, जो किया हूँ जैसा किया हूँ वो देखा हूँ प्रैक्टिकली, हैंड पाइप गड़ता है तो फिक्स होता है यहाँ पे 30 फीट 40 फीट 50 फीट पानी निकलेगा, गाड़ने के लिए कितना मेहनत करना होता है। हम आप क्या करते हैं,
भाई ऊपर वाला देख रहा है, हाँ तुम लाइन तो सही पकड़ लियो, लेकिन इतना मेहनत करोगे मतलब इतना अंदर तक जाओगे तब तुमको मिलना शुरू हो जाएगा। हम थोड़ा सा किए, पैसा नहीं मिल रहा, मान लीजिए मेरे कहने का क्या मतलब, इलेक्ट्रिशियन के साथ थोड़ा सा काम सीखे या किए, बैक में पैसा नहीं भाटा हुआ, अब दूसरे जगह चले गए प्लम्बर के साथ कुछ दिन किए, मैं तो ये तो और बेकार हुआ, फिर अल्मोनियम के साथ चले गए, तो आपका करियर फिनिश बर्बाद। क्योंकि किसी भी लाइन, हर एक लाइन बेहतर है और हर एक लाइन में आप देखेंगे बड़े बड़े लोग हैं और छोटे भी लोग हैं, जो जैसा काम किया वैसा किया, समझ रहे नहीं, जैसा जो काम किया। पेंटर में भी देखेंगे तो आप ही गांव के बड़े बड़े पेंटर आज जो है बेंगलोर में कहां कहां ठेकेदार हुए हैं, आप फ्लाइट से आ जा रहे हैं गांव पे, फिनिशिंग कारपेंटर देखेंगे ठेकेदार हो गए, काम करते करते कराने लगे। तो मेरे कहने का क्या तात्पर्य है कि जो भी काम आप पकड़ते हैं उसको थोड़ा टाइम दीजिए, 2 साल 3 साल ऐसा टाइम दे देंगे ना तो देखिए ना आपके पीछे कितना जो है मारा मार होगा। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं? हमारे ऑफिस के लिए स्टाफ की जरूरत है यार, देखिए और दुबई के लिए भी, यहाँ के लिए भी, दुबई के लिए तो एक दो लोग मैंने हायर भी किया है वहां पे, और भी आदमी चाहिए मुझे, बड़ी टीम चाहिए। तो मैनेजर, वीडियो एडिटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेलीकॉलर और ड्राइवर, कम से कम 12 पास और कोई नशाना करता हूँ। यह सैलरी लिखा है, रहना खाना फ्री है, दुबई के लिए जाते हैं तो जस्ट डबल है, जान लीजिए सैलरी। तो भैया 311 लोग देख रहे हैं, बहुत ही रिक्वेस्ट है, कल परसों आज ही आप स्टाफ भेज दीजिए, स्टाफ की सख्त जरूरत है। बस ऐसे लोगों को भेजिए जो जिस काम में आ रहे हो एकदम माहिर आदमी हो, फ्रेशर लोग नहीं चलेंगे, कहीं हम कमो नहीं किए भैया हम कंप्यूटर, नहीं, इस चीज का सबसे ध्यान रखना। संसार भाई हमारे दुबई देख रहे हैं, सलाम वालेकुम। और कोई साथी हैं जो बात करना चाहते हैं? अनु सिंह साहब क्या कह रहे हैं, जी अनु भाई नमस्कार, हेलो हेलो हेलो। और कोई साथी है जो बात करना चाहते हैं वेल्डर के काम? और कोई साथी है? जवाहिर कुमार भाई हैं, लगा रहा हूँ, थोड़ा शेयर करिए दोस्त, जवाहिर भाई बात ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ मैं इसी टाइम से आपसे, और फिर नई बातें होंगी, और तुरंत आइए अपना काम करवाइए।